अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग है जनाब। हम गए थे नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद बाहर वॉक करने, और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा मौसम हुआ है। हल्की हल्की सी सर्दी फील हो रही है, ठंड आ रही है, बहुत खूबसूरत मौसम था। उसके बाद घर आए, घर आने के बाद बहुत नींद आ रही थी तो हम सो गए। मिलते हैं आपसे उठ के। 2000 years later। और ये देखें, ये जनाबी ठंड की वजह से हमारे साथ ही सो रहे हैं। ये देखें कितना क्यूट लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग जी। सुबह हमने नमाज़ पढ़ी, वॉक की थोड़ी सी, और उसके बाद तो हम सो गए थे। तो अभी बज रहे हैं तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं फ्रेश होकर किचन की तरफ और देखते हैं कि हम ब्रंच में क्या खाते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम तो चला गया, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं अपनी मम्मा के लिए मूली लेने के लिए। उनको आज फिर मूली का पराठा खाना है। जब तक सर्दियाँ नहीं जाती, जब तक मूलियाँ नहीं जाती, तब तक तो मम्मा ने भी मूली का पराठा ही खाना है। तो चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हम आके क्या बनाते हैं ब्रंच में। जी तो मैं फ्रेश हो गई थी और मैंने सोचा रेडी होने से पहले हमने आज बनाना है अपने लिए चना चाट। तो उससे पहले हम इनको धो के उबलने के लिए रख देते हैं ना, ताकि हमारे बाहर से आने तक शायद ही उबल जाए, मतलब थोड़े बहुत तो उबल जाएंगे ना। और वैसे तो हमने चने रात को ही भिगो दिए थे और रख दिए थे, तो ये रात सारी रात के भीगे हुए चने हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रखते हैं पानी डाल के बॉईल करने के लिए। ये हमने इनको चूल्हे पे चढ़ा दिया था और थोड़ा सा इसके अंदर नमक शामिल कर देते हैं। बॉईल करते हुए इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल किया मैंने और उसको मिक्स करके इसको कवर करके पकने दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बाहर, मामा के लिए मूली लेके आए और उनको पराठा रेडी करके दें। तो मैं मूली ले आई थी, तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ, साथ ही बनाते हैं मम्मा के लिए मूली का पराठा। और मैं अपने लिए लेमन्स भी लेके आई थी चना चाट को रेडी करने के लिए। तो हम चना चाट भी रेडी कर लेते हैं और उसी के साथ हम मम्मा के लिए मूली का पराठा भी बना देते हैं, बना के आपको दिखाते हैं। Few moments later। जी तो पराठा रेडी हो गया, अब चलते हैं इसको देने के लिए मम्मा को। और ये लीजिए, ये रहा मम्मा के पास पराठा। पराठा दे दिया और ये देखें यहाँ पे कौन है, कौन? और ये देखें चौथे जनाब मस्ती करते हुए। उसके बाद मैंने बनाई थी चाय अपने लिए, चाय पी और काम से बाहर गए। और ये देखें इस बंदे की मसरूफियत चेक करें, मेरे बोलने पे जवाब भी नहीं आ रहा वो। Years later। उसके बाद हमें अभी टाइम मिला था चना चाट रेडी करने के लिए। तो चने तो हमने सुबह से बॉयल कर लिए थे और उनको पानी से निकाल के रख दिया था। तो अब इसको रेडी करते हैं। हमने बॉल में लिए बॉयल किए हुए चने और साथ ही इसके कट किया था हमने एक छोटी सी प्याज और एक आधा खीरा लेके कट कर लिया था। ठीक है, तो इन दोनों को इसमें शामिल कर देंगे हम। आप इसमें टमाटर और धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैंने सिर्फ ये डाला है क्योंकि मैं खा लेती हूँ। तो उसके बाद हमने इसमें शामिल किया थोड़ा सा नमक, काला नमक शामिल किया था मैंने, ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला इसमें शामिल किया मैंने। तो ये सब हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद हमने इसमें डाला था एक अदद लेमन, वो उसको डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करके तो फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। ठीक है, इसकी फाइनल लुक। लेमन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, लेमन मैंने थोड़ा सा आधा और लेमन डाल दिया और उसी के साथ थोड़ी सी ही एक अदद जो है मैंने ग्रीन चिली कट करके इसमें शामिल की थी, ये देखें। ठीक है, इसको इसमें डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसको, और ये रही इसकी फाइनल लुक। Eternity later। उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर की तबीयत ख़राब हो गई थी तो हम लोग चले गए थे उसकी मेडिसिन लेने के लिए। तो उसको लेने लेके गई थी मैं, हमारे घर के पास ही है क्लिनिक, ज़्यादा दूर तो नहीं है, वहाँ से इसकी मेडिसिन ली। हम पहुँच गए थे क्लिनिक पे और उसके बाद हम अपनी बारी का वेट कर रहे थे। इसको चेक करवाया, फीवर था, चेक करवाया, मेडिसिन ली और हम वापस आ गए। और घर आके बहुत सारा काम किया मैंने क्योंकि ये बीमार थी, तो मैं अकेली थी काम करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।